One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. हम माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से या हमारा डिपार्टमेंट लेता है और उसमें कौन से ऐसे आइटम है जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को सप्लाई कर सकते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये 3 सालों में कहा गया कि कोशिश होनी चाहिए कि अधिक से अधिक इस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएं पूरे कंट्री में, जिससे कि जो है वेंडर्स को यह मौका मिल सके कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेट कौन कौन से आइटम परचेज करते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे बड़े इंडस्ट्रीज हैं या जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको यह पता चल सके कि हमारे जो आइटम्स रिक्वायरमेंट है उनको कौन से वेंडर्स हैं, कौन सी यूनिट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करें। तो इस तरह के प्रोग्राम करने से यह है कि लार्ज इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज के अधिकारियों को भी बुलाया जाता है कि आप आए और वहां पर अपना प्रेजेंटेशन दें, चाहे ड्राइंग के माध्यम से, डिजाइन के माध्यम से, प्रोडक्ट के माध्यम से या लेक्चर के माध्यम से, ये आप बताएं कि हम कौन कौन से हम आइटम्स परचेज करते हैं और उनका प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स क्या है और आप हमारे यहां वेंडर बनने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन सब की जानकारी के लिए ये 3 साल का समय दिया, क्योंकि एकदम से तो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती है, लोगों को पता ही नहीं चलता है, तो लोगों को पता चल सके और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने वेंडर्स को आइडेंटिफाई कर सके और वेंडर्स को यह पता चल सके कि पॉलिसी क्या है, हमारे राइट्स क्या है और अगर हमें किसी डिपार्टमेंट में सप्लाई करना है तो हमें प्रोसीजर क्या है और हम कैसे अपने को एज ए वेंडर रजिस्टर कर सकते। इन सबकी बेहतर जानकारी देने के लिए इस तरह के प्रावधान रखा गया कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जाए हर डिपार्टमेंट के माध्यम से और खासकर एमएसएमई को और एनएसआईसी को ये पॉलिसी में कहा गया है कि वे इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन करें, जिससे कि ये पॉलिसी सब लोगों को पता चल सके और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो 20% प्रोक्योरमेंट के लिए उनको दिक्कत ना, क्योंकि 25 अप्रैल 2015 से जब ये पॉलिसी कंपलसरी हो जाएगी तो उसमें क्या है, 2015 के बाद जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट है उनकी जवाबदेही होगी अगर उनका 15% 20% प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, उसको रीजन देने पड़ेंगे। एक रिव्यू कमेटी बनाई गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी एमएसएमई, तो 2015 के पास उनको जो है हर साल के एनुअल रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी कि हमने हमारा टारगेट एनुअल टारगेट कितना था और उस टारगेट का 20% जो हमारा माइक्रो स्मॉल से अचीव हो रहा था उसमें कितना परसेंट अचीव हुआ और जो बैलेंस बचा जो अचीवमेंट नहीं हो गया, अगर अचीवमेंट हो गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं अचीव हुआ तो उसका रीजन क्या है, वो उनको तथ्य जो है प्रोड्यूस करने पड़ेगा। तो कोशिश मिनिस्ट्री की है कि ये पॉलिसी इफेक्टिव ढंग से लागू हो